गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ बिजेन सिंह, आई एम योर एसएसटी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, वेदर क्लाइमेट एंड सीजन। नाउ टुडे टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीजन, विभिन्न ऋतुएँ किस प्रकार बनती हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, वन इज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, सेकेंड इज रेवोल्यूशन। तो एक रोटेशन है और दूसरा जो है रेवोल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं और उसकी वजह से दिन और रात बनता है। एंड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इज दैट जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन, और रेवोल्यूशन के कारण जो है ऋतुएँ बनती हैं। ड्यूरिंग रेवोल्यूशन द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन वंस एवरी ईयर। तो एक रेवोल्यूशन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यहाँ से मानो यहाँ से शुरू हुई और लौट के फिर यहाँ तक आती तब एक साल पूरा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पृथ्वी एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। वी हैव सीजन बिकॉज ऑफ द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन रेवोल्यूशन एंड द टाइटल एक्सिस ऑफ अर्थ। तो रोटेशन रेवोल्यूशन और टाइटल एक्सिस ऑफ द अर्थ, इन तीनों का जो सम्मिलित प्रभाव पड़ता है इसी के कारण ऋतुएं बनती हैं। एज द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन द पोजिशन इन रिलेशन टू सन चेंज। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसकी पोजिशन लगातार बदलती रहती है सूर्य के संबंध में। कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाती है तो कभी पृथ्वी जो है सूर्य के से दूर चली जाती है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। व्हेन द अर्थ इज टाइटल टुवार्ड द सन, जब पृथ्वी जो है सूर्य के सामने होती है, ठीक है, तो क्या होता है गर्मियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ ये गर्मियां शुरू हो जाती हैं और व्हेन इट इज टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन, जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाने लगती है, इट इज़ विंटर, तब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है आपको सीजन ऑफ इंडिया यानी भारत की में कितनी ऋतुएं होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।